भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का गाना आया डॉक्टर मना किए हैं। इसके राइटर हैं रिकेश पांडे। अब आपको ये बता दें कि इस गाने को लेकर बहुत सारा विवाद उठ चुका है। विवाद ये कि पवन ने किसी और का गाना गाया है। वैसे आपको बता दें कि रिकेश पांडे की कई ऑडियो वायरल हो रही है, जहां पर वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये गाना उन्होंने पवन सिंह से ही गवाया है। हाँ, ये बात और है कि इस गाने को उन्होंने बहुत पहले लिखा था, एक दो लोगों को और सुनाया था, लेकिन ये गाना किसी और ने नहीं गाया, गाए पवन सिंह ही हैं। तो इस हिसाब से इस गाने को अगर कोई अपना गाना बता रहा है तो वो गलत है। लेकिन आप तो जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी बात रखने के लिए लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं, और कुछ इसी कदर हो रहा है पवन सिंह के साथ, जहां पर ये कहा जा रहा है कि पवन का ये जो गाना है उस पर रिपोर्ट की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट की जाएगी, ताकि इस गाने को हटा दिया जाए यूट्यूब से। वैसे पवन सिंह के साथ ऐसा बहुत रेयर टू रेयर होता है कि उनके गाए हुए गानों को यूट्यूब से हटाया जाता है, ऐसे बहुत रेयर मौके आते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादों का कोई सिर पैर नहीं होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री और विवाद दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं, और ऐसे में अगर कोई आकर ये कहे कि ये गाना उसका है और पवन सिंह ने इसे गाया है, और तो और ताज्जुब की बात ये है कि इसी नाम से इसी गाने को इसी तरह से किसी और सिंगर ने गाकर उसे ऑलरेडी यूट्यूब पे रिलीज़ भी कर दिया है। तो इस ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई गोपनीयता है कि अगर कोई सिंगर कोई भी सॉन्ग गाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पहले से ही रिलीज़ करवा दिया जाए ताकि उसकी जो व्यूज़ है उस पे इफ़ेक्ट पड़े और तो और ऑडियंस बट जाए। वैसे आपको बता दें कि ऐसा कुछ पवन सिंह के साथ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि गाने को बहुत अच्छा व्यूज़ मिला है। गाने की जो वीडियो क्वालिटी है उसकी बात करें तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है गाना। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये गाना उनका है, उनके लिए ये व्यूज़ एक तमाचे की तरह है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।